दोस्तों, अगर इस जड़ी बूटी का सेवन आप मेरे बताए हुए अनुसार कर लेते हैं ना, तो ताकत इतनी भयंकर तरीके से बढ़ेगी, इतनी जबरदस्त पावर बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। खून की कमी को दूर करता है, चेहरे पर चमक बढ़ाता है, बाल तेजी से ग्रोथ करता है, पेट की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी और खून की कमी को दूर करता है, और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, शीघ्र पतन जैसे समस्या से निजात मिलता है। कहते हैं यह 48 रोगों की एक दवा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, हर जगह आपको यह मेडिकल पर मिल जाएगा, किसी भी दुकान पर। दोस्तों, कोई भी जड़ी बूटी हो, कोई भी जड़ी बूटी, उसका सेवन कैसे करना है, किन चीज़ों के साथ करना है और कितनी मात्रा में करना है, यह बहुत निर्भर करता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखें ताकि आप एक पॉइंट को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, बस मुझे प्रसन्नता मिलती है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस औषधि के बारे में। इसका नाम है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। इसका जिक्र बाबा रामदेव ने इसकी खूबी के बारे में बताया है। यह अंदरूनी कमजोरी, स्पर्म काउंट, धात छिड़ता, शीघ्र पतन की समस्या, वीर्य के पतलेपन को दूर करती है। लेकिन दोस्तों, जरूरी होता है कि इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दो बार चार बार करके छोड़ देंगे, कंटिन्यू किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका सेवन कैसे करना है। इसके दो तरीके मैं बताऊँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप चम्मच देख रहे हैं, दो चम्मच लेना है। ये छोटा चम्मच है, अगर आप बड़ा चम्मच लेते हैं तो एक चम्मच लेंगे। एक फुल चम्मच आपको हनी लेना है, मधु, और आपको चाट लेना है। यह प्रयोग आपको सुबह और शाम करना है। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। आपको लेना है गुड़, और एक चम्मच आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। अगर आप गुड़ नहीं मिले तो आप खांड भी ले सकते हैं, या फिर आप मलाई में भी मिलाकर खा सकते हैं। सबको आपको एक चम्मच लेना है, इसको भी सेम एक चम्मच लेना है, और गुड़ में ठीक से मिलाकर चाट जाना है। दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई तरीके से खाते हैं तो आप पूरे हेल्थी हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।